हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई लेकर आई हूँ। ये आपने कभी नहीं बनाई होगी, ना ही खाई होगी, जिसमें हम ना मैदा, ना सूजी, ना आटा, ना मावा, किसी भी चीज़ को नहीं लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी मेरा गर्म हो गया है। अब मैंने एक कप काजू, आधा कप बादाम लिए हैं। इनको मैंने साथ में ही मिला लिया है। आप अलग अलग भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैंने इनको साथ में ही कर लिया है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, काजू और बादाम दोनों ही मेरे भुनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी कढ़ाई से बाहर। अब उसी बचे हुए घी में मैंने आधा कटोरी मोटे कटे हुए सूखा नारियल लिया है। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। आप इससे कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स, तो सूखा नारियल भी मेरा भुनकर रेडी हो गया है। इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को हम एक ही जगह मिला लेंगे। अब मैंने लिए हैं मखाने। मखानों को भी हम लास्ट में इसी घी में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें एकदम हमें क्रिस्पी कर लेना है। एक मिनट में ही ये मखाने क्रिस्पी हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें क्रिस्पी करना है, नहीं तो हमारे मखाने जल जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, बातों बातों में ही मेरे मखाने सिककर रेडी हो गए हैं। एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब मखाने को भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। अब उसी कढ़ाई में एक बड़ी सी कटोरी मैंने चीनी ली है। जितना हमने मटेरियल लिया है उसी के बराबर हमें चीनी लेना है। इसमें डाल देंगे हम पानी, जिससे चीनी डिसॉल्व हो जाए। तो चीनी को हम चलाते हुए डिसॉल्व कर लेंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। अब इस ग्राइंडिंग जार में हम सारे ड्राई फ्रूट को पीस लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को हमें एक साथ ही डालकर पीस लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। थोड़े बहुत अगर इसमें टुकड़े रह भी गए हैं तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि रेसिपी और अच्छी बनेगी। तब तक देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी बनकर रेडी हो गई है। एक तार की चाशनी हमें बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक तार इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके की चाशनी हमें बनाकर तैयार कर लेना। अब जो पाउडर हमने बनाकर रखा था, इसे इसी चाशनी में हम डाल देंगे और इसको कर देंगे हम मिक्स। इस स्टेज पर हमें फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। गरम गरम में हमें इसके लड्डू नहीं बनाना है। बड़ी आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट लड्डू बनते हैं। मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनते हैं। बच्चे बूढ़े सभी को ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसके लड्डू बना दिए हैं। फिर से याद दिला दूं फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। देखिए, तो इसी तरीके से मैंने बातों बातों में सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं इन्हें तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बने हैं। इनको कर दिया है मैंने बादाम कतरन से गार्निश। आप पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।